क्या गोड्डा का भी हो जाएगा कहलगांव एनटीपीसी जैसा हाल? क्या गोड्डा में भी सांस लेने के लिए लोगों को चुकानी होगी भारी कीमत? क्या अडानी के आसपास के लोग भी अडानी पावर प्लांट के राख से होने लगेंगे बीमार? क्या अडानी पावर प्लांट से निकला राख लोगों के लिए बनेगा जी का जंजाल? क्या खेतों के फसलों में भी होगा भारी नुकसान? क्या अडानी आसपास के लोग खांसी और अस्थमा जैसी बीमारियों से होंगे ग्रसित? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिन कहलगांव एनटीपीसी से एक खबर आई जिसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहलगांव एनटीपीसी के आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इससे यही लगता है कि गोड्डा में भी बन रहे अडानी पावर प्लांट से निकलने वाली राख कहीं गोड्डा वासियों के लिए जी का जंजाल न बन जाए। जिस तरीके से गोड्डा में अडानी पावर बैठाने के लिए मोतिया के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्या उन लोगों को इसकी चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत? क्योंकि बीते ही दिन कहलगांव एनटीपीसी से खबर आई, एनटीपीसी से निकलने वाली राख ग्रामीणों को परेशान कर रही है। छोटे छोटे बच्चों को दमा अस्थमा जैसा बीमारी अपनी आगोश में ले रहा है। यहाँ तक कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में हवा चलने के बाद लोग परेशान हो रहे हैं। खाने पीने के सामानों में राख की मोटी परतें बैठ रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोड्डा में भी अडानी पावर प्लांट के चालू हो जाने के बाद गोड्डा वासियों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से लगातार कहलगांव के गांव के लोग परेशान हो रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि गोड्डा के लोगों में भी ऐसी परेशानी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज। हाल के दिनों में एनटीपीसी कहलगांव से एक खबर निकलकर सामने आई थी कि वहां पर आसपास के जितने भी ग्रामीण हैं, एनटीपीसी से आने वाले राख से जो है वहाँ के बच्चों को भिन्न भिन्न बीमारियों से परेशान हो रहे हैं। वहाँ के खाने में तेज हवा से जो है वो धूलकण जो है खाने में वो पड़ जा रहा है। तो क्या लगता है गोड्डा में जो अडानी पावर प्लांट बैठ रहा है, क्या यहाँ के भी राख से आम लोगों को परेशानी होगी? देखिए, यहाँ तो आपका आप तो इस आपका गांव चल गए, वहाँ तो है ही कई सारा समस्या, और प्लांट के आसपास में टीबी दमा का पेशेंट भी बहुत ज़्यादा मिला है, और साथ ही आपका आप देख लीजिए कि इसल भी कोलवरी क्षेत्र है जहाँ पे खदान है, वहाँ पे आपका भी जो ये समस्या आ रही है। पिछले दिनों आपका ही न्यूज में देखा गया है कि वहाँ किस तरह जल को लेकर हाहाकार है। आने वाला समय में गोड्डा में भी ये जल को लेके, पर्यावरण को लेके और को लेकर बहुत बड़े स्तर पर हाहाकार मचेगा। ये कोई नई बात नहीं है, और हम लोग शुरुआती दौर से भी पर्यावरण बचाने को लेके इस शहर के बीच में जो फसली जमीन है जहाँ पे खेती लोग रहते हैं रेल में, हम लोग शुरुआत दौर में भी आंदोलन किए थे, और अभी भी हम लोग इसके पक्ष में है कि जो फसली जमीन पे जहाँ पे जनजीवन बसता है, यहाँ पे कोई भी प्लांट कोई भी जो है उद्योग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे सीधे जल जीवन में अभी देखिए ना, अभी 150 और 200 भी अब 250 तक में भी पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन पहले आप 70, 80, 110 तक भी पानी मिल जाता था। तो ये अभी गंभीर समस्या तो है ही, और आने वाले समय में जो अभी गिने चुने टीबी दमा का पेशेंट मिला जाता है, लेकिन हर घर में एक टीबी और दमा का पेशेंट आपको मिलेगा। मतलब सीधा तौर से अडानी जो राख उत्पन्न होगा उससे हम लोगों को, आम लोगों को नहीं, पूरे जिला वासियों को होगा, पूरे जो गोड्डा वासियों को होगा। इस पे ये तो साधारण चीज नहीं है, ये जो अडानी से जो अभी जो निकलेगा, अभी जो राख निकलेगा सारी चीज में, ये आम जीवन को जो है तहस नहस कर देगा, और टीबी दमा जैसा बीमारी बड़े स्तर पर उत्पन्न होगा। रोजाना दिल्ली दूर जब रांची में है द प्रयास इंडिया, वन ऑफ द लीडिंग यूपीएससी इंस्टीट्यूट। आईएएस बनने का सपना यही होगा साकार। रांची में मिलेगा बेस्ट यूपीएससी कोचिंग। जब प्रयास करेगा आपके लिए प्रयास, तो होगा आपका सपना साकार। ऑप्शनल पेपर हो या फिर ऐसे लिखने का गुर, टेस्ट सीरीज के साथ बेस्ट स्टडी एंड एडवाइस देगा आपको सब्जेक्ट्स पर मजबूत पकड़। हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी शिक्षा आसान। अगर देखा हो आईएएस का सपना तो प्रयास है द बेस्ट। ज्वाइन द बेस्ट यूपीएससी कोचिंग सेंटर द प्रयास।